पाकिस्तान की वाटर मैनेजमेंट इज अ डिजास्टर। ना आप सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान की डिमांड 105 मिलियन एकड़ फीट है और सप्लाई 165 मिलियन एकड़ फीट है, तो पाकिस्तान वाटर स्केयर्स कंट्री कैसे बन गया? IMF ने पाकिस्तान को अमंगस्ट द थर्ड मोस्ट वाटर क्रिटिकल क्राइसिस कंट्रीज में शामिल किया है। दिस ओनली प्रोवाइड्स पाकिस्तान स्टोरेज कवर फॉर अबाउट 30 डेज ऑफ यूज। इंडिया का जो स्टोरेज कवर है वो तकरीबन 200 दिन का है और अमेरिका का तकरीबन 1000 दिन का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनेद इकबाल है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आर एग्रीकल्चर सीरीज। पाकिस्तान की पानी की इफेक्टिव डिमांड 105 से 110 मिलियन एकड़ फीट है। नौ पाकिस्तान की जो रिन्यूएबल सप्लाई है पानी की ऑन अ ग्रॉस बेसिस वो 180 से 200 मिलियन एकड़ फीट है, जिसमें तकरीबन 140 मिलियन एकड़ फीट रिवर से आता है, 10 से 15 रेलफॉल के ज़रिए और फिर ग्राउंड वाटर से 40 से 50 मिलियन एकड़ फीट। लेकिन इसमें कुछ डबल काउंटिंग है क्योंकि जो रेनफॉल का वाटर है और जो रिवर का पानी है वही सीप होकर जाकर ग्राउंड वाटर में ऐड हो जाता है। तो ऑन अ नेट नेट बेसिस पाकिस्तान की जो इफेक्टिव सप्लाई है वो 165 मिलियन एकड़ फीट है। ना आप सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान की डिमांड 105 मिलियन एकड़ फीट है और सप्लाई 165 मिलियन एकड़ फीट है, तो पाकिस्तान वाटर स्केयर्स कंट्री कैसे बन गया? ये समझने के लिए हमें जानना है कि पाकिस्तान में पानी इस्तेमाल कैसे होता है। ना ग्लोबली तकरीबन 60% किसी भी मुल्क का पानी एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है, 30% इंडस्ट्री के लिए और 1% म्यूनिसिपल यूज के लिए यानी घरों वगैरह के लिए। इंडिया में तकरीबन 80% एग्री को जाता है, 14% इंडस्ट्रियल यूज को और 6% म्यूनिसिपल यूज को। पाकिस्तान में 93% पानी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, तकरीबन 6% इंडस्ट्री के लिए और सिर्फ 1% म्यूनिसिपल पानी के लिए। टू अंडरस्टैंड शॉर्टेज क्यों हो रही है, हमें समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में पानी किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो एग्रीकल्चर का सिस्टम कुछ इस तरह चलता है कि 145 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो रिवर के सिस्टम में एंटर होता है, कुछ ग्लेशियर्स के जरिए, कुछ रेनफॉल के जरिए। ये पानी कुछ हद तक डैम्स में स्टोर होता है, बड़े डैम्स में मंगला और तरबेरा शामिल है। फिर एज ये डाउन द रिवर आता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में जाता है और पाकिस्तान के जो कनाल नेटवर्क के थ्रू फार्म्स तक पहुँच जाता है। अच्छा, जिन फार्म्स पर कनाल का पानी नहीं पहुंचता या जिन फार्म्स को कनाल का पानी पूरा नहीं पड़ता वो ट्यूबवेल के जरिए पानी को पंप कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है इस सारे सिस्टम में? बिफोर दैट, सिंजेंटा पाकिस्तान की एक लीडिंग एग्रीकल्चर कंपनी है जो कि हजारों से ज्यादा फार्मर्स को अपने नया सवेरा आउटलेट्स के थ्रू सर्व कर रही है। इनके कटिंग एज सीड प्रोडक्ट्स और क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करें और इनकी कोशिश है कि फार्मर्स को और फूड सिक्योरिटी को सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ लेके जाया जाए। थैंक यू सिंजेंटा फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग। सो कमिंग बैक कि इस पूरे एग्रीकल्चर के पानी के मैनेजमेंट के निजाम में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम काफ़ी सारी। पहली प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट स्टोरेज। पाकिस्तान का जो मंगला डैम है उसकी नेम प्लेट कैपेसिटी है 7.3 मिलियन एकर फीट और तरबेरा की नेम प्लेट कैपेसिटी है 9.6 मिलियन एकर फीट। नाउ ओवर पीरियड ऑफ टाइम सिल्टेशन की वजह से यानी कि मिट्टी जमा होने की वजह से इनकी जो एक्चुअल इफेक्टिव कैपेसिटी है वो 29% और 21% से गिर गई है। तो आज मंगला की इफेक्टिव कैपेसिटी 5.8 मिलियन एकर फीट और तरबेला की 6.8 मिलियन एकर फीट है। नाउ दिस ओनली प्रोवाइड्स पाकिस्तान स्टोरेज कवर फॉर अबाउट 30 डेज ऑफ यूज। इंडिया का जो स्टोरेज कवर है वो तकरीबन 200 दिन का है और अमेरिका का तकरीबन 1000 दिन का। पिछले 20 साल में 10 के करीब फ्लड्स आए हैं और 4 दफा खुशसाली या ड्राउट्स आए हैं एंड इन दोनों में एडिक्वेट स्टोरेज ना होने की वजह से हमारे पास बफरिंग कैपेबिलिटी नहीं थी। सेकंड चैलेंज ये है कि पाकिस्तान का 80% पानी का फ्लो 4 महीने के दौरान होता है, फ्रॉम जून टू सितंबर, बिकॉज दिस इज द टाइम जब मानसून भी चल रहे होते हैं और ग्लेशियर मेल्ट भी अपनी पीक पे होता है। ना थर्ड पॉइंट तो ये है कि एक रिवर सिस्टम में एक नेचुरल पानी का लॉस होता है और 16 से 20 मिलियन एकर फीट पानी तो वैसे ही अरेबियन सी की तरफ चले जाता है एंड सम ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी क्योंकि ये सैलिनिटी को ऊपर आने से रोकता है। तो तकरीबन 95 मिलियन एकर फीट एक्चुअली कनाल सिस्टम तक एंटर होता है। अब चौथा प्रॉब्लम ये है कि जब कनाल में पानी आता है तो बिकॉज ऑफ पुअर लाइनिंग ऑफ कनाल्स तकरीबन 22% पानी जो है या वो इवेपोरेट हो जाता है या वो सीपेज की नज़र हो जाता है, तो तकरीबन 20 मिलियन एकड़ फीट यहाँ पर लूज हो जाते हैं और तकरीबन 75 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है
वो फार्म डोर तक आता है। यहाँ पर पांचवा प्रॉब्लम है और वो है फ्लड इरिगेशन। आज भी पाकिस्तान के 90% फार्मर्स के करीब फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल करें, जिसमें मजीद 30% पानी एवेपोरेशन की वजह से या क्यों ग्राउंड लेवल ना होने की वजह से रन ऑफ हो जाता है और लूज हो जाता है। दुनिया भर में अब ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल हो रहा है, स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल हो रहा है और सेंटर पिवट्स का इस्तेमाल हो रहा है। सो इफेक्टिवली एंटर हुआ 75 मिलियन एकर फीट फार्म्स में, लेकिन इफेक्टिवली सिर्फ 50 मिलियन एकर फीट पानी एक्चुअली यूज हो पाता है। आप सवाल पूछेंगे कि आज भी पाकिस्तान के फार्म्स ये सदियों पुरानी प्रैक्टिस क्यों इस्तेमाल करें, और इसका जवाब हमें लेके जाता है छठे बड़े मसले का, एंड दैट इज द प्राइसिंग ऑफ वाटर। नाउ पानी की जो प्राइसिंग होती है उसको आबियाना कहते हैं। 2003 तक आबियाना पाकिस्तान में क्रॉप बेसिस पे होता था कि हर क्रॉप के हिसाब से पानी की प्राइसिंग फर्क होती थी, और इसकी एक रीजन थी ताकि एक सिस्टम में एफिशिएंसी लाई जाए। मिसाल के तौर पे शुगर केन 4 गुना ज़्यादा पानी लेती है एज अपोज टू अदर क्रॉप्स। तो अगर कोई साउथ पंजाब में शुगर केन लगा रहा है जहाँ वैसे ही पानी की थोड़ी सी स्कैर्सिटी है, तो ओनस इज ऑन द फार्मर कि अगर वो पानी इस्तेमाल करके एक वाटर स्केर्स एरिया में एक वाटर इंटेंस क्रॉप लगा रहा है, तो देन ही बेटर बी गेटिंग इनफ इकोनॉमिक्स ऑन द एंड प्राइस फ्रॉम द मार्केट कि वो महंगा पानी भी इस्तेमाल कर सके। क्योंकि इस सिस्टम को हमने हटा दिया 2003 में, तो आज जो आबियाना का निज़ाम है वो इतना कम पैसा कलेक्ट करता है और वो एक फ्लैट रेट पर चलता है कि उससे इरिगेशन डिपार्टमेंट की अपनी बेसिक कॉस्ट भी कवर नहीं होती। 2003 के बाद आबियाने को फ्लैट सिस्टम पे ले जाया गया। रबी सीजन में 275 रुपये पर एकड़ फीट पानी का रेट रख दिया गया, खरीफ में 385 रुपये रख दिया गया, और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। सबसे पहले तो क्रॉप प्लानिंग ऑफ हो गई। फॉर एग्जांपल साउथ पंजाब में जहां कॉटन लगाई जाती थी, अब वहां पर शुगर केन ज़्यादा लगाई जाती है। सिमिलरली जो पैसा कलेक्ट होता है टोटल आबियाने से, वो तकरीबन पूरे मुल्क में तकरीबन 4.5 बिलियन कलेक्ट होता है। अगर आप सिर्फ पानी के जो निज़ाम की सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट है कनाल सिस्टम वगैरह की, वो ही 30 बिलियन से ज़्यादा है। सैलरीज अलग हैं, बाकी कॉस्ट अलग हैं, तो इसेंशली हम पानी नेगेटिव कॉस्ट पर फेंक रहे हैं। अगर ट्यूबवेल के जरिए पानी निकाला जाए और वो भी डीजल इंजन चलाकर, तो जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी पानी की पर एकर फीट, जो इफेक्टिव कॉस्ट निकलती है, दैट इज अबाउट 20 times ऑफ व्हाट वी आर चार्जिंग फॉर इन आबियाना। तो इसेंशली ना हम पानी की अपनी कॉस्ट कवर कर रहे हैं, और ना पानी को मैनेज करने के लिए जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो पूरा निज़ाम है, ना ही उसकी कॉस्ट कवर कर रहे हैं, और पानी को फेंका जा रहा है, ज़ाया किया जा रहा है और बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है। टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान में जो राइस की फसल है, अगर आप अपने हाथ में एक मुट्ठी राइस पकड़ते हैं, तो उस एक मुट्ठी राइस को बनाने के लिए 25 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और दुनिया की किसी मुल्क में भी आप देख लें तो कंपेयर टू दैट हमारा पानी का यूसेज बहुत इनएफिशिएंट है। अब ये तो कहानी हुई रिवर्स और उससे कनेक्टेड कनाल सिस्टम की। नेक्स्ट आता है हमारा 7वां इशू, और वो जुड़ा हुआ है एक्वाफर्स से, यानी कुएं का पानी। नाउ जिन इलाकों में कनाल का पानी नहीं पहुंचता या कनाल का पानी पूरा नहीं पड़ता, वहां पर फार्मर्स ट्यूबवेल के जरिए पानी को पंप करते हैं। पाकिस्तान का जो बेसिन है इंडस वाटर बेसिन, हर साल ये तकरीबन 35 मिलियन एकड़ फीट इसमें नेचुरली रिचार्ज होते हैं रेन वगैरह की वजह से, लेकिन हर साल हम इससे 50 मिलियन एकड़ फीट पंप आउट कर रहे हैं, यानी कि हम 10 से 15 मिलियन एकड़ फीट हर साल इसको डिप्लीट कर रहे हैं, मेकिंग दिस द 4th वर्स्ट वाटर एब्स्ट्रैक्शन रेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इंडस वाटर बेसिन जो है वो दुनिया का 2nd मोस्ट स्ट्रेस एक्वाफर है, और हम एनुअली 2 से 3 मीटर की डेप्थ को डिप्लीट कर रहे हैं, और इसकी वजह से सैलिनिटी भी बढ़ती चली जा रही है। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की वाटर मैनेजमेंट is a disaster. हम दुनिया के 23वें मोस्ट वाटर स्टार्व नेशन है, और 3 चीज़ें यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले पानी की एक मेन सोर्स है ग्लेशियर्स, और हमारे ग्लेशियर्स अब इस डेकेड में पिछली डेकेड के मुकाबले में 65% तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट कि हमारी जो रेनफॉल है उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी कम होती जा रही है, और ओवर द ईयर्स 10 से 15% सालाना उसमें डिक्रीज भी आ रहा है। ये बात भी जाननी और याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की आज भी 77% पानी की जो डिपेंडेंसी है वो उस पानी पे है जो इंडियन कैचमेंट एरिया से जमा होकर आता है। 2005 में हमारा पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी वाज एट 1100 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा, और आज वो 860 पर आ गई है। ग्लोबली जब 1700 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर पानी आ जाता है, तो आपको एक वाटर स्ट्रेस्ड नेशन कहा जाता है। जब आप 1000 से गिर जाएँ
तो आपको वाटर स्कैर्स नेशन कहा जाता है एंड हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। वाटर रिसोर्स वल्नरेबिलिटी इंडेक्स भी एक और मेजर है जो देखता है कि हर साल आप अपने विड्रॉल्स वर्सेस रिसोर्सेज की क्या बैलेंस लेकर चल रहे हैं, और इसका जो ग्लोबल बेंचमार्क है वो 22% होना चाहिए कि आपकी जो एक नेट सप्लाई है उसका आप हर साल 22% विड्रॉ करें। पाकिस्तान अपनी नेट सप्लाई का 77% विड्रॉ कर रहा है। IMF ने पाकिस्तान को अमंगस्ट द थर्ड मोस्ट वाटर क्रिटिकल क्राइसिस कंट्रीज में शामिल किया है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर हालात इसी तरह आगे चलते गए तो 2040 में हमारा क्या हाल होगा। ये सिचुएशन बहुत खौफनाक बनती जा रही है। एंड हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पानी की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एंड थैंकफुली इसके काफ़ी सॉल्यूशंस मौजूद हैं अगर इनको इम्प्लीमेंट करने की विल हो। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग डैम्स हैं उनकी फर्दर सिल्टेशन को रोकना होगा, और इसका तरीका ये होता है कि जो कैचमेंट एरिया होता है रिवर का डैम से पहले उसमें मजीद प्लांटेशन की जाए ताकि सॉइल की इरोजन कम हो। इंडिया के भकरा डैम के कैचमेंट एरिया में जब मजीद फॉरेस्टेशन की गई तो 30-50% की कमी देखी गई सिल्टेशन में। सेकेंडली वी सिंपली नीड मोर स्टोरेज। अब ड्यामिर भाषा डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है तकरीबन 8 मिलियन एकड़ फीट का, जो कि नॉर्थ ऑफ मंगला में बन रहा है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट एक और बात है स्टोरेज की, वो ये है कि जो काबुल रिवर है वो 17-20 मिलियन एकड़ फीट हमारे सिस्टम में लेकर आता है, और वो तरबेला डैम के बाद एंटर होता है इंडस सिस्टम में एट अराउंड अटक। ना उसके बाद कोई मेजर स्टोरेज पाकिस्तान में नहीं है, और कालाबाग एक ऐसी नेचुरल लोकेशन है जहाँ पर एक तकरीबन 6-6.5 मिलियन एकड़ फीट का डैम बनाया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली 50 साल से ज़्यादा से इस पर हम कंसेंसस हासिल नहीं कर सके हैं। थर्ड पॉसिबल सॉल्यूशन है कनाल लाइनिंग। नाउ सिंध और पंजाब में ऑलरेडी इस पर कुछ हद तक काम किया जा रहा है, नारा कनाल पे भी कुछ हद तक काम किया गया है, लेकिन अब इसमें काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं एंड PVC रिलेटेड टेक्नोलॉजीज भी काफ़ी आ गई हैं। इंडिया में जो राजस्थान कनाल का लाइनिंग का प्रोजेक्ट था या इजिप्ट में जो न्यू डेल्टा कनाल का प्रोजेक्ट है, ये काबिल गौर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको स्टडी करना चाहिए क्योंकि इन्होंने 30-40% का लॉस कम किया है। चौथा जो सोल्यूशन है वो फार्म फ्रंट पर है, और वो है फ्लड इरिगेशन को डिस्करेज करना, मे बी इवन बैन करना और इन्फोर्स करना कि लेजर लैंड लेवरिंग कराई जाए, और शायद अगर सब्सिडी कहीं देनी चाहिए कुछ सालों के लिए तो शायद ड्रिप इरिगेशन लगाने के लिए और स्प्रिंकलर्स को प्रमोट करने के लिए देनी चाहिए, बट इस प्रैक्टिस से हमें हटना पड़ेगा। विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द फिफ्थ सोल्यूशन, और इस प्रैक्टिस से हटने के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव तरीका हो सकता है वो है पांचवा सोल्यूशन, के आप बिरयानी को मार्केट प्राइसिंग से जोड़ा जाए। इसके लिए पानी की प्राइसिंग को एक टीयर्ड स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा, क्रॉप बेसिस पर एंड वॉल्यूम बेसिस पे। क्रॉप बेसिस पे इस तरह कि जिन क्रॉप्स में ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है उनका रेट ज़्यादा होना चाहिए, और जहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक यूज़ एक लेवल से बढ़ जाता है उस पर भी मजीद रेट लगना चाहिए। साथ साथ जहाँ पर फ्लड इरिगेशन हो रही है उस पर तो एक पेनल्टी प्राइसिंग होनी चाहिए, इवन अप टू 3,000 रुपीज़ पर एकड़ फीट। अगर आप जॉर्डन और ट्यूनीजिया में देखें तो वहाँ पर प्रोग्रेसिव प्राइसिंग है पानी की। अगर आप मेक्सिको में देखें तो शुगर केन और जो वाटर हैवी क्रॉप्स हैं उनका पर एकड़ फीट पानी का रेट हायर होता है। और जो छठा सोल्यूशन है वो है कि ट्यूब वेल की भी प्राइसिंग को मार्केट बेस से कनेक्ट किया जाए। हम ऑन द अदर साइड ट्यूब वेल को इलेक्ट्रिक सब्सिडी देते रहे हैं और अब उसको सोलर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो अगेन ये बात इनकरेज कर रही है कि लोग पंप करके पानी को फ्लड इरिगेशन करें और पाकिस्तान के इस कीमती नेमत को पानी को मुफ्त में बहा दें। आप शाम को 7-12 बजे तक हर टॉपिक पर बहस देखेंगे, लेकिन पानी जैसे इस इम्पॉर्टेंट इशू को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद भी इस टॉपिक पर मजीद रिसर्च करें, हमारे इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अवेयरनेस बढ़ाएं कि ये कितना बड़ा चैलेंज हमें दरपेश है जिसको सॉल्व करना इमीडिएटली ज़रूरी है। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। और जाते हुए एक सवाल, पानी की संगीन सूरत हाल को सॉल्व करने के लिए आप पर्सनली क्या स्टेप्स लेंगे? जवाब और सजेशंस हमें कमेंट्स में ज़रूर दें, और मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि सब्सक्राइब करके पाकिस्तान एंड काउंटिंग की कम्युनिटी को ज्वाइन करें।